वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अदिति अग्रवाल एंड आपने अभी तक वीडियो टाइटल तो पढ़ ही ली होगी ऑफ कोर्स। सो फाइनली चंडीगढ़ इज हैपनिंग गाइस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई एम सो एक्साइटेड। सो टुडे 7th ऑफ अप्रैल, कल रात को मेरी ट्रेन है, सो हेल्प मी टू पैक माय बैग्स। मैं मोबाइल फंसा रही हूं बिकॉज़ मुझे बैग निकालना है चढ़ के। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कम्फी कपड़े ज्यादा रख रही हूँ बिकॉज मैं फ्री हो के वहाँ पे ट्रैवल करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं कपड़े ही संभालती रहूँ। तो क्या नाचोगे? You can see my excitement. I can't hold it. अरे भाई जल्दी चलो। बहुत सारे कपड़े हो गए यार and I'm feeling very sleepy now. तो जल्दी से कपड़े रखती हूँ, सो जाती हूँ, फिर आपसे कल मिलूंगी स्टेशन में मे भी। चलिए फिर कल मिलते हैं और इस ट्रिप को एक्साइटिंग बनाते हैं। तो रात के बज रहे हैं 10, मैं लखनऊ स्टेशन पहुंच चुकी हूं, अपनी ट्रेन ढूंढ रही हूं किस प्लेटफॉर्म में है। हेलो, सो फाइनली हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से मोहाली एंड अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। तो हम आए हैं भव्या के चाची के घर, लेट्स मीट ऑल ऑफ देम, आई एम एक्साइटेड। नमस्ते नानी। नमस्ते बेटे, कैसे हो? बढ़िया नानी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटे। नमस्ते चाची। हेलो, कैसी है? बढ़िया। अरे यार बहुत समय पे आई, बस पूजा करने वाले हम। अच्छा, कोलो बे शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियाँ कितनी अच्छी होती हैं। वेदे ये हम लोग की अष्टमी की पूजा, चंडीगढ़ इज फाइनली हमने रख लो। ये कसौल जाने की हमारी पैकिंग हो रही है, नहा धो के ऑल रेडी टू एक्सप्लोर चंडीगढ़। रेट आवर आउटफिट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। सो दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और हमारी टोली चंडीगढ़ घूमने के लिए निकल चुकी है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं सेक्टर 35C, वहाँ पे हम कुछ खाए पियेंगे, उसके बाद हम मॉल्स एंड ऑल दैट एक्सप्लोर करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख चुका है बर्गर किंग, चलिए जल्दी से चलते हैं। देवा बहुत भूख लगा है, आजा। एंट्री देख रहे हैं आप जैसे कोई VIP। कोलू विधि, अरे चैन से खाने दीजिए दीदी। तो जब तक खाना अनबॉक्स हो रहा है मैं जल्दी जल्दी रैंडम क्लिक्स ले लेती हूँ। वाओ। तो अब हम जा रहे हैं लांडे मॉल, उसके बाद हम सूखना लेक भी गए थे, बट मैंने क्लिप्स इसलिए नहीं डाली बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। अरे भाई सारा चलो चलो चलो। किसके? तुम्हारे बच्चे। तो भव्य सारा के अंदर घुस के अपने और मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए शॉपिंग करना चाह रही थी, समझ रहे हैं आप? मैं तो मैंगो डॉली खाऊंगा। चीज पागल हो क्या? सो वी आर बैक होम एंड बहुत टायर्ड है। सो इट्स 8:00 और 11:30 की हमारी कसौल की बस है। हेलो, व्हाट्स अप? कसौल जाने की तैयारी। एक्साइटमेंट देख रहे हैं? नहीं मतलब देख रहे हैं ना आप लोग? लू ऑल सेट टू गो। शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। क्या कर रहे हैं आप? हाय गाइस। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखो हमारी बस। देखो देखो वो आ गया, कब स्टार्ट हुआ? आ रहा भैया, बड़ा नीचे रख रहे हैं। सो दिस इज़ वॉल्वो लक्ष्मी हॉलीडेज एंड ये अपना यू नो चंडीगढ़ एंड दिल्ली दोनों से चलती है फॉर कसौल। तो मैंने बस में ज़्यादा क्लिप्स इसलिए नहीं ली भी, उसमें सोती रही, मुझे वोमिटिंग की बहुत दिक्कत है बस में। तो अब सुबह हो चुकी है, हम यहाँ पे चाय नाश्ता के लिए रुके थे और हम अपने वादियों की तरफ बढ़ चुके थे। सुबह के बज रहे 7:30 और हम कसौल बस स्टैंड पहुँच चुके हैं। भाई साहब जन्नत तो नहीं आ गए हम? तो कसौल में ज्वाइन किया है हमें मिस्टर रुद्र ने, जो कि है हमारे विदित के फ्रेंड। Hey guys! बंद करो हाथ जोड़ के, मैं ये हमारे गाइड हैं। अरे तू दोनों छूट जाओगे। कोलो कहाँ
भाई साहब एक्साइटमेंट वी कांट होल्ड लिटरली। गुड मॉर्निंग फैम, तो हम कसौल आ चुके हैं बट हमने अपना जो रिजॉर्ट या होटल व्हाटएवर जो भी बुक किया है तो हमें उसके लिए पैदल जाना पड़ा है विच इज 1.8 किलोमीटर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। वी आर ऑन द वे। बस हाँ तो यहाँ से हम आपको सुनाई दे ना दें बट पानी की आवाज़ पूरे टाइम सुनाई देगी। ये हम लोग छोज वाले ब्रिज पे हैं। इतनी तेज लहर है यार, कसौल आके भी सेल्फी लेना है, मतलब व्यू की फोटो नहीं चाहिए। दिखा देता हूँ वीडियो मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अरे भाई ये छोज कब आएगा, मैं तो थक गई भाई साहब। लविंग कसौल, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मेरा हाफना सुनो। आ पी जा सनम। अरे आ गया आ गया। तो हमें तत्व होटल नहीं मिला तो हम पार्वती होटल में आ गए हैं। लेट्स सी कैसा है। Guys, tired? मैं तो थक गई भाई साहब। अपने रूम से निकल के आए हैं एंड ये काइंड ऑफ ट्रैक ही है ऑफ कोर्स, और ये डायरेक्ट कसौल मार्केट निकलेगा, तो हम जा रहे हैं कसौल मार्केट। और हमारे लोकल गाइड, मैं आपको दिखाऊँ, बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं। सो स्वीट ऑफ हिम। आओ कम कम, खत्म करो कहानी, मैं भी खत्म करते हैं। पागल है आदमी, यहाँ पे कोई रहता था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। जागू, यहाँ से हमारा ट्रैक खत्म हुआ है, अब इधर रास्ता है। काफी डेंजरस था बट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, राइट कोलू? हमारे गाइड ने हमारा साथ एंड में जाके छोड़ दिया था। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। क्योंकि हम बहुत थक चुके थे तो हमने इस ब्रिज में लाइक अराउंड 15-20 मिनट्स का ब्रेक लिया और हमने बहुत सारे वीडियो शूट्स एंड फोटो वोटो ली। मार्केट आ गया है, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग। अभी हम जा रहे हैं नीचे पानी में, लौटते टाइम हम जाएंगे मणिकरण और उसके बाद वापस आएंगे तो हम मार्केट आएंगे रात में एंड शॉपिंग करेंगे। करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये हम लोग पानियों की तरफ, पानियों क्या होता है, झूले अच्छे हैं वो देखो। नहीं वो सब झूले थोड़े झूले, एक तो इतनी तेज लहर, ऊपर से इतना ठंडा पानी, लाइक 2 मिनट भी पैर डालिया ना तो फ्रीज हो जाएगा, और 2 मिनट भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। तो दोपहर के बज चुके हैं 1:30, गए हैं मणिकरण और अब हम जाएंगे गुरुद्वारे। ये है गुरुद्वारे का रास्ता। हे वाहेगुरु, जल्दी से फेमस कर दो बस। अब हम सर में बांधेंगे बंडाना। मुझे पर्सनली गुरुद्वारा बहुत पसंद है बिकॉज वहाँ जाके मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, एक सूदिंग सी वाइब आती है। और ये गुरुद्वारा तो इतना पुराना है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, प्लस इसका व्यू आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और पानी तो आपको कसौल में हर जगह मिलेगा। यहाँ पे एक हॉट वाटर भी है जहाँ पे बोलते हैं चावल डाल दो तो बॉयल हो जाता है। तो हम माता टेक के वापस आ गए हैं, बाहर बैठे हैं। एक तो पूरे टाइम चलते चलते इतना थक गए हैं, कसौल की बस का वेट कर रहे हैं। तो पूरी कसौल मार्केट में शॉल्स, ठंडी के कपड़े और यू नो बैग्स, जो भी जैसे पहाड़ी वाले सामान होते हैं, और एंटीक आइटम्स, ये सारे हुक्का का सामान, एंटीक ज्वेलरीज बहुत सारे थे। मतलब अगर इफ़ यू आर इनटू एंटीक थिंग्स तो आपको बहुत पसंद आएगी मार्केट। कसौल में सोनू भैया की हैंडीक्राफ्ट की शॉप है एंड दिस इज़ वेरी अमेजिंग। आप देखो इनके वर्क कितने यूनिक है। अगर आप कसौल आ रहे हो तो फॉर श्योर विजिट करना इनकी शॉप। इनकी एक शॉप गोवा में और 2 शॉप्स मनाली में भी है। वेरी ब्यूटीफुल वर्क। फॉलो कर देना जल्दी से भैया को, फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, मैं इंस्टाग्राम हैंडल भैया की टैग कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।
सो हेयर कम्स द मोस्ट अवेटेड मोमेंट जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था. वी वर लाइक बस रात हो पंचतारा बार एंड ग्रिल जाना है बिकॉज हमें इतने लोगों ने बताया था कि कसौल जा रहे हो तो पंचतारा बार एंड ग्रिल मत मिस करना. एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो और अ प्रमोशन दैट आई एम डूइंग बट आई पर्सनली फेल्ट द वाइब. मतलब इतना प्यारा था. और ये जो बैंड देख रहे हो ना आप फिरदौस बैंड, दीज गाइज आर अमेजिंग. मतलब आई वॉज टोटली इन लव विद दिस बैंड. जो वाइब क्रिएट किया था ना, मुझे बस लग रहा था कोई बोल दे अदिति रह जाओ यहीं पे, फॉलो देम ऑन इंस्टाग्राम, कम ऑन. तो रात के बज रहे थे ऑलमोस्ट 12 और हम कसौल से छोज जा रहे थे जहाँ पे हमने अपना होटल बुक किया था. सो वी टोटली लव्ड दिस प्लेस एंड आई विल हाईली रिकमेंड अगर आप एनी टाइम कसौल विजिट कर रहे हो तो पार्वती एच क्यू ज़रूर आना. हम चोच से निकल के तोष जा रहे हैं. वो सो तोष कसौल का एक छोटा सा गांव है जहाँ पे रात में लाइट हार्डली रहती है. तो हम रात में पहुँचे थे, इतना व्यू मैं नहीं ले पाई हूँ, थोड़ा बहुत है. जैसे कि हम शैलोम कैफ़े गए थे, बहुत ही प्यारा था, खाना भी बहुत अमेजिंग था. और वहाँ का सबसे फेमस है जो कि है पिंकी दीदीज कैफ़े, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है. और थोड़ा सा ही क्लिप ले पाई हूँ मैं रात में जितना पॉसिबल हो पाया मुझसे बिकॉज लाइट बिल्कुल नहीं थी. बट हाँ, तोष ऐसा लगता है रात में. तो सुबह के 9:15 हो रहे हैं और हम लोग बरशानी जा रहे हैं. खीर गंगा के लिए रेडी? यस. एक्साइटेड? नर्वस? थोड़ा सा. जस्ट होप फॉर द बेस्ट. खीर गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स ऑफ इंडिया एंड 12 किलोमीटर जाना है, 12 किलोमीटर आना है, विच इज़ रियली टफ एंड दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस. ये नई शौक कब से पाल लिया तुमने अदिति? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? टू टायर्ड. अभी आ गया 3.5 किलोमीटर हुआ है बस एंड आई एम सो टायर्ड. मैं तो थक गई भाई साहब. मैं बार बार इन लोगों से पूछ रही थी कि तुम्हारे अंदर एनर्जी आ कहाँ से रही है यार. मतलब मैं तो पूरे टाइम हाँफ रही थी. हम सारे टपरी में रुके हैं, सब में कुछ ना कुछ खाए पिए हैं. दीदी रुको जरा, सबर करो. जो इसमें आया भाई साहब, 12 अप्रैल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन तो नहीं है. So tired. Oh God. It took us 6 hours. 9:30 मॉर्निंग से चले एंड इट्स 3:30. पहुंच गए? What? Oh God. Finally जिंदगी का एक गोल कैसे तैसे अकम्प्लिश हो ही गया. कुलू फाइनली वी रीच्ड. यस. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा. टायर्ड नहीं हो? 6 hours की हमने जर्नी की है पहाड़ों पे. काफ़ी टफ थी लेकिन मज़ा आएगा. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. ट्राई करिए अगर हिम्मत हो तो. लोग फाइनली अपने कैंप में आ गए हैं. कैंप में आ गए हैं. कैंप का व्यू देते हैं. ये हमारा कैंप है और इसमें हमारी आज नाइट स्टे है. तो डिनर मिलेगा और सुबह का ब्रेकफास्ट मिलेगा. ब्रेकफास्ट करते ही सुबह हम वापस से 12 किलोमीटर चल देंगे. तो शाम के बज रहे हैं 6:30 एंड हम अपने कैंप के पास रोम कर रहे हैं. हॉट वाटर स्प्रिंग इसलिए नहीं जा पाए बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड. सो आई थॉट ऑफ ड्रॉपिंग अ प्लान. तो यहाँ पे मैंने क्लिप्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लिए बिकॉज फ़ोन्स हम सबके डेड थे और खीर गंगा में हार्डली 2 hours का ये इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जिसमें यू कैन चार्ज योर फ़ोन, वो भी टर्न बाय टर्न. तो बहुत मुश्किल हो रहा था हमारे लिए रिकॉर्ड करना सब कुछ. और हमने यहाँ पे बॉनफायर भी इंजॉय किया था. सो दैट्स इट. इतनी ही क्लिप है मेरे पास खीर गंगा की. तो हम खीर गंगा से वापस उतर रहे हैं बरशैनी तक. फिर बरशैनी में हमें एक बस मिलेगी जो हमें कसौल छोड़ेगी. तो कसौल में वील स्पेंड आर होल डे और स्ट्रीट फूड एंड ऑल दैट इन्जॉय करेंगे. फिर रात में हमारी बस है जो कि हमें वापस चंडीगढ़ जाना है. तो ठीक है, आपको बीच में अपडेट देते रहेंगे.
तो चलिए उतरते उतरते मैं अपना खीरगंगा का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो 9:30 बजे मॉर्निंग चले थे, 3:30 पहुँचे। इट टुक अस 6 आवर्स बिकॉज लास्ट के 3-4 किलोमीटर बहुत स्टीप है। और फिर हम 3:30 बजे पहुँच के 6:30 तक थोड़ा रेस्ट किए, फिर हमने अपना कॉफ़ी एंड ऑल दैट लिया, एंजॉय किया। 7:30 से 9:30 सिर्फ 2 घंटे लाइट देते हैं जिसमें यू कैन चार्ज योर फ़ोन। तो फिर 8:30 या 9 बजे तक हमें डिनर मिल गया था एंड हम बॉन फायर एंड ऑल दैट एंजॉय किए थे। अच्छा था, मज़ा आया। रात में ठंड बहुत होती है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि उतरते टाइम वी जस्ट टुक 4 आवर्स, तो हमें कसौल में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। तो रात के बज रहे 8:45 एंड 9:30 बजे हमारी बस थी एंड एज़ यू कैन सी कि हमने कसौल की बारिश भी देख ली गाइस। अच्छा, एक चीज़ शेयर करना तो भूल ही गई, मैंने रिसेंटली एक बहुत प्यारा सा कॉटेज देखा है इन कसौल। तो अगर आप यू आर लुकिंग फॉर अ स्टे विद अ व्यू, डू गिव इट अ ट्राई। तो हम आ चुके हैं चंडीगढ़ वापस और अब मैं जा रही हूँ स्टेशन बिकॉज मुझे लखनऊ की ट्रेन पकड़ना है। यार मेरी ट्रिप तो खत्म हो रही है। चलो यार, बहुत ही अमेजिंग ट्रिप थी। आई होप ऐसी ट्रिप्स में मैं जाती रहूँ और आपके लिए व्लॉग बनाती रहूँ बिकॉज मुझे बहुत मजा आया व्लॉग बनाते टाइम। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑल्सो बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें बिकॉज वो ही तो है नोटिफिकेशन। जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा कि मैंने एक नई वीडियो अपलोड कर दी है। और बेल बटन का एक फायदा और बताऊं कि उसमें आपको शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन भी मिलेगी जिसमें मैं आजकल डेली बहुत इनोवेटिव बहुत क्रिएटिव आइडिया शेयर कर रही हूँ, तो देखना ना भूलें। तो शॉर्ट्स देखिए और रिक्रिएट करिए, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए और फीचर हो जाइए। तो चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। Thank you.